परफ्यूम भी लगाया हुआ है। शायद इसी बहाने मेरे पास मिहिर खींचा चला आता। एपिसोड 1, शिकार शिकारी का। कॉलेज कैंटीन से मुग्धा ने एंटर किया। कैंटीन के एक तरफ कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लड़कों की नजर मुग्धा पर पड़ती है। उनमें से एक लड़के ने आहें भरकर कहा, इतनी सुंदर लड़की और इसको आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। तभी दूसरे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि शाम होते ही गायब हो जाने वाली गर्लफ्रेंड किसे चाहिए भाई। पहले लड़के ने पूछा, मतलब? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, मतलब ये मेरे भाई, मुग्धा कॉलेज की सिंड्रेला है। पार्टी हो, कॉलेज फेस्ट हो, स्टडी हो, शाम होते ही मुग्धा गायब। कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कोई नहीं जानता। उसका घर आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा को कैंटीन में बैठे देखते ही उसकी फ्रेंड जूही उस पर चढ़ बैठी। जूही ने कंप्लेन करते हुए कहा, मुग्धा, दिस इज नॉट डन। तुम कल भी हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं रुकी, रोज तुम्हें इतनी जल्दी घर क्यों जाना होता है? मुग्धा ने जवाब दिया, मम्मी ने कहा है कि सूरज ढलने से पहले मुझे घर पहुंचना जरूरी है। वैसे भी मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। जूही ने टॉन्ट करते हुए कहा, कितनी बोर है यार तू, तेरा ये रोज का नाटक है। वैसे कल से मुझे कुछ याद आया, कल तुम्हें रॉनी ने प्रपोज किया था ना? मुग्धा ने हैरान होकर कहा, वो क्यों मुझे प्रपोज करेगा? वैसे मैंने कल रॉनी को जंगल की तरफ जाते देखा था। तभी जूही मिहिर को कैंटीन की तरफ आते देखती है। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगी और मुग्धा से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? जल्दी बताओ मेरी जान, मेरा क्रश मिहिर यही आ रहा है। मुग्धा ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो, और ये तुम्हारा मिहिर कितनों का क्रश है, हर लड़की तो मरती है इस पर। जूही ने इतरा कर कहा, मेरा मिहिर है ही इतना हॉट। मुग्धा बस डिसबिलीव में जूही को देखती रही। तब तक मिहिर वहां आ गया और वो गुस्से से मुग्धा के सामने टेबल पर कसकर अपने हाथ पटकता है। मिहिर ने गुस्से में चीख कर मुग्धा से पूछा, कहाँ है रॉनी? मुग्धा ने घबरा कर कहा, मुझे कैसे पता होगा? मिहिर ने कहा, तुम्हें ही पता है, क्या किया तुमने रॉनी के साथ? कल से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। इससे पहले मुग्धा कुछ बोल पाती, एक पियून ने मुग्धा से कहा, चलिए प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया है, जल्दी। मुग्धा उठ गई और उसने जूही से कहा, मैं आती हूँ, और वो वहां से चली गई। मिहिर गुस्से से उसके पीछे गया। जूही ने मिहिर को हाय बोला, लेकिन मिहिर ने उसे अनसुना कर दिया। मुग्धा ने प्रिंसिपल के रूम पर आकर पूछा, मैम मैं कम इन? प्रिंसिपल ने रोबीली आवाज में कहा। यस कम इन मुग्धा। मुग्धा ने देखा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में एक तरफ प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा है। ऑफिस टेबल की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा है, वो एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर के ठीक पास दो हवलदार खड़े हैं। अधेड़ उम्र का आदमी खुद को संभाल नहीं पा रहा है और बातें करते करते वो रोने लगा। तभी पीछे से मिहिर भी रूम में आ गया। पुलिस ऑफिसर ने वहां बैठे रॉनी के पिता को कहा, मिस्टर आलोक वर्मा, खुद को संभालिए आप, आपका बेटा सही सलामत आपके पास वापस लौट आएगा। उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। आलोक वर्मा ने रोते हुए कहा, सर मैं तो खुद को कैसे भी करके संभाल लूंगा, लेकिन रॉनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, प्लीज आप मेरे बेटे को जल्द से जल्द पता लगाइए। मुग्धा को देखते ही पुलिस ऑफिसर ने बिना ज्यादा सोचे सीधा सवाल पूछा, मिस मुग्धा, मेरा नाम ऑफिसर दुर्गा प्रसाद है, मैं रॉनी वर्मा की मिसिंग के बारे में आपसे पूछताछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि रॉनी कहाँ है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। मुग्धा घबरा कर बोली, नो सर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आलोक वर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी प्लीज बता दो, मेरा बेटा कहाँ है, वो जिंदा तो है? इतना बोलकर आलोक वर्मा दोबारा से रोने लगे। तभी मुग्धा ने खिड़की के बाहर से किसी को तेजी से वहां से गुजरते हुए देखा। वो थोड़ी घबराई, लेकिन उसने रॉनी के पापा से कहा, नहीं अंकल, मैं रॉनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी मिहिर बोल पड़ा, ये साफ झूठ बोल रही है, रॉनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कल खुद बताया था सर कि वो मुग्धा को प्रपोज करने वाला है।
बहुत खुश था वो। मैंने उसे रोकना भी चाहा था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बाद में मैंने खुद उसे मुग्धा के पीछे जाते हुए देखा था। पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद खड़ा हो गया और मुग्धा के इर्द गिर्द घूमते हुए उसने पूछा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो ये तुम्हारा कॉलेज आईडी कार्ड ठीक उसी जगह से क्यों मिला जहां से हमें रॉनी का आईडी कार्ड मिला है? ये सुनकर मुग्धा घबरा गई और उसने हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरा आईडी कार्ड कल सुबह से ही गायब है। मैंने ऑफिस में डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनवाने के लिए फीस भी जमा कर दी है। ये देखिए मेरे पास स्लिप भी है। मुग्धा स्लिप दिखाती है। पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद स्लिप देखता है। पुलिस ऑफिसर ने सख्ती के साथ कहा, देखो लड़की, तुम इस शहर में नई आई हो और तुम्हारे आने के कुछ ही महीने बाद एक लड़का लापता है। इसे पहले कॉलेज कंपाउंड में एक लड़का बेहोश पड़ा मिला था, तब भी तुम्हारा ही नाम सामने आया था। याद रखना, ये मेरा शहर है और मैं किसी को भी अपने शहर में कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा। तभी मुग्धा ने खिड़की से दो आंखों को कमरे में अंदर झांकते हुए देखा। मुग्धा ने भरोसा देते हुए कहा, सर मेरी वजह से कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, फिलहाल हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन भी सबूत मिला और अगर रॉनी के गायब होने में तुम्हारा कोई भी हाथ हुआ तो ये दुर्गा प्रसाद तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एंड इट्स माय प्रॉमिस। मुग्धा सिर्फ चुपचाप नजरें नीचे किए देखती रही। पुलिस ऑफिसर ने प्रिंसिपल को थैंक्स कहा और वो सभी वहां से चले गए। मिहिर अपने क्लासरूम में बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसका फ्रेंड मोहित वहां आकर कहने लगा, अरे मिहिर यहाँ अकेले क्यों बैठा है? मिहिर ने बहुत सीरियस होकर कहा, यार मैं बस रॉनी के मिसिंग होने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे उस मुग्धा का ही हाथ है। मोहित कहता है, यार वो तो ठीक है, लेकिन तुझे ये भी याद रखना चाहिए कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। रोनी से पहले भी एक लड़के ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी और अगले दिन कॉलेज कंपाउंड में बेहोश पड़ा मिला था। वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर किसी को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चला गया। मेरी बात मान, इस मुग्धा का पीछा करना छोड़ दे। मिहिर कुछ सोच कर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं मुग्धा को प्रपोज करूंगा, देखता हूँ मुझे कैसे गायब करती है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और मोहित उसे हैरानी से देखता रह जाता है। दूसरी तरफ मुग्धा किसी खुफिया कमरे में एंटर करती है जहां रॉनी पहले से मौजूद था, बेहद डरा और सहमा हुआ। मुग्धा ने उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी रॉनी? मुग्धा, मुझे लगता है कि मुझे अब यहां से चले जाना चाहिए। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरी माँ रो रही होंगी, दोनों बहुत परेशान होंगे, डरते हुए रॉनी ने कहा। मुग्धा ने रॉनी से कहा, नहीं रॉनी, इन हालातों में तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है, प्लीज कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़कर कहीं चले जाओ और किसी को मत बताना तुम कहाँ गए हो। रॉनी ने मुग्धा से कहा, नहीं मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुग्धा ने कहा, रॉनी तुम समझते क्यों नहीं, अगर तुमने अपने घर वालों से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज मेरी बात मानो और जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, मैं तुम्हें और छुपाकर नहीं रख सकती, वो लोग तुम्हें यहाँ कभी भी ढूंढ सकते हैं। रही बात तुम्हारी फैमिली की तो तुम उन्हें कहीं से भी फोन करके बता देना कि तुम ठीक हो, और हाँ जो कुछ भी कल रात हुआ प्लीज उसका जिक्र तुम किसी से भी मत करना। रॉनी मुग्धा की बात मान गया और मुग्धा ने रॉनी को वहां से सही सलामत जाते हुए देखा और उसके बाद वो वहां से मुड़कर अपने घर की ओर चली गई। तब तक मिहिर उसका पीछा करते करते मुग्धा के घर तक पहुंच गया। वो सीधे दीवार फांद कर अंदर घुस गया। उसने देखा कि मुग्धा के घर की एक खिड़की खुली हुई है और फिर एक बार आसपास देखकर मिहिर ने खिड़की से झांक कर देखा। खिड़की से झांकते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मिहिर उल्टे पैर वहां से लौट आया। वो समझ चुका था कि शाम होते ही मुग्धा सब छोड़ छाड़ कर क्यों भाग जाती है। फ्राइडे दोपहर सिटी कॉलेज के कैंपस में चारों तरफ शोर और चहल पहल है। कहीं कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं तो कहीं कुछ लड़के किसी लड़की से बात करने के मौके तलाश रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में अपनी क्लास अटेंड करने के लिए भागे जा रहे हैं।
जूही हमेशा की तरह लेट कॉलेज आकर जल्दी से क्लास बंक करके फिल्म देखने का प्लान बना रही है। अरे यार, कोई हॉट सा लड़का मिल भी नहीं रहा जिसके साथ मूवी डेट पर जाया जा सके। और तो और, मेरा क्रश मिहिर भी भाव नहीं दे रहा मुझे। इसे कभी ना कभी तो अपना दीवाना मैं बनाकर ही रहूंगी, पर तब तक के लिए किसी और से काम चलाना पड़ेगा आज के लिए, खुद से बड़बड़ाते हुए जूही ने कहा। ए रुक रुक रुक, मोहना तूने मुग्धा को कहीं देखा क्या? मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। उसी वक्त दूसरी ओर लाइब्रेरी में मिहिर मुग्धा को कन्फ्रंट कर रहा है। मुग्धा, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान गया हूँ। शाम होते ही तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब कुछ। ये सुनकर मुग्धा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मुग्धा ने बात पलटते हुए कहा। फ्लावर वैली के पीछे उस ओल्ड विला में तुम ही रहती हो ना, मिहिर ने पूछा। ये सुनकर मुग्धा शॉक्ड रह जाती है। मुग्धा पूछती है, तुम्हें कैसे पता? मिहिर ने कहा, अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना मिहिर, अगर मेरा सीक्रेट खुल गया तो मुझे ये कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। तभी जूही लाइब्रेरी में एंटर होकर सीधे मिहिर के पास चली गई। मिहिर मिहिर मिहिर, इतना कहते ही जूही ने मिहिर का हाथ पकड़ लिया। मिहिर प्लीज मेरे साथ मूवी देखने चलो। एक झटके से मिहिर ने अपना हाथ छुड़ाया, मुग्धा की तरफ एक बार घूर कर देखा और वहां से चला गया। थैंक गॉड, मुग्धा ने सुकून की सांस भरी। तभी जूही मुग्धा की तरफ पलटकर बोली, लुक मुग्धा, मेरे और मेरे मिहिर के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। I can't share my मिहिर with anyone. Have you lost your mind? मैं और मिहिर? इस जन्म में तो नहीं, मुग्धा ने गुस्से में कहा। एक्साइटेड होकर जूही ने मुग्धा को हग करते हुए कहा, यार मैं जानती थी कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर थोड़ी ना खराब करेगी। मुग्धा को और जोर से हग करते हुए जूही ने कहा, तू चल ना मेरे साथ मूवी देखने, मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने, मुग्धा ने कहा। तू कितनी बोर है यार, देखना तुझे कुछ दिनों में ना लोग बहन जी कहने लगेंगे, जूही ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुग्धा ने कहा, Who cares? By the way, तेरा मिहिर भी लेक्चर ही अटेंड करने जा रहा होगा। हाँ यार, लेक्चर भी अटेंड करना जरूरी है, जूही ने कंसर्न के साथ कहा। लेकिन तेरा तो मूवी देखने का प्लान था ना, उसका क्या हुआ? मुग्धा ने चुटकी लेते हुए कहा। वो छोड़ यार, मूवी किसी और दिन देख लेंगे, मेरा सलमान तो अभी यहाँ क्लास में गया है ना, फिर उसकी कैटरीना कहीं और कैसे जा सकती है? मैं भी तो जरा देखूं इस क्लास में ऐसा क्या सिखाते हैं जो अपना क्रश भी वहीं गया है। मैं भी अपने हैंडसम को करीब से देख लूंगी और इसी बहाने कुछ लेक्चर भी सुन लूंगी। जल्दी चल यार, नहीं तो लेट हो जाएंगे, जूही ने जल्दी जल्दी में चलते हुए कहा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ सीट्स खाली भी हैं। प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर लिखकर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जहां मुग्धा का ध्यान व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है, वहीं जूही सिर्फ और सिर्फ मिहिर को घूरती जा रही है। बेचारा मिहिर, कैसे उस अगली करिश्मा के पास मुंह लटका कर बैठा है, काश मेरे पास बैठ जाता, मैंने तो लैवेंडर परफ्यूम भी लगाया हुआ है, शायद इसी बहाने मेरे पास मिहिर खींचा चला आता, जूही खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती जा रही थी। प्लीज अटेंशन क्लास, तभी पाठक सर ने क्लासरूम में एंटर होकर कहा, जिससे जूही और बाकी क्लास का ध्यान अनाउंसमेंट की ओर मुड़ गया। नेक्स्ट वीक में हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए फैशन फेस्ट होने वाला है, और इसमें खासकर फर्स्ट ईयर और बाकी के सभी स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना होगा। इस इवेंट के साथ और भी कई इवेंट्स होने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्ट में शामिल होकर आप सब इस कॉलेज के इस फेस्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। प्लीज बाकी की डिटेल्स के लिए कल्चर एंड आर्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कीजिए। आप सबका थैंक यू। अरे वाह, इस फेस्ट में तो बड़ा मजा आएगा, मैं तो ऐसे ही किसी फेस्ट का जाने कब से वेट कर रही थी। अपने मिहिर की बाहों में उसके सीने से लगकर, उसके हाथ मेरी कमर पर, उसकी बॉडी की स्मेल, जो ही ये सब जैसे अपनी आंखों के सामने देख रही है। क्या ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? उफ, तू और तेरा मिहिर, मुग्धा ने जोही से कहा। देखना
मेरा ये सपना जरूर सच होगा। जूही ने मुग्धा से कहा। कभी नहीं, फिलहाल तो क्लास खत्म हो गई है, मैं अब चलती हूँ, मुझे अब घर जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुग्धा ने जल्दबाजी में कहा। जूही ने मुग्धा को चिढ़ाते हुए कहा। फिर से नहीं, कभी तो रुक जाया कर, साथ में कॉफी भी नहीं पीती तू। यार मेरी ना सही, तेरे साथ ही मूवी डेट पर चलती। लेकिन नहीं, इनके अंदर तो सती सावित्री की आत्मा निवास करती है। शाम को जल्दी से मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। सॉरी, आई हैव टू गो, बाय। इतना कहकर मुग्धा जल्दी से वहां से चली गई। अभी कुछ देर पहले मुग्धा ने नोटिस किया, जब जूही उसके साथ बात कर रही थी, उस वक्त रितु किसी लड़के के साथ कॉलेज की कॉरिडोर से गुजर रही थी। क्या सच में? मैंने अभी किसी लड़के को रितु के साथ देखा। अगर ऐसा है तो नहीं, नहीं, इस बार नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। रितु मुग्धा की सौतेली बहन है और रितु की माँ माया शर्मा मुग्धा की सौतेली माँ है। मिस्टर शर्मा यानी मुग्धा के डैड पृथ्वीराज शर्मा उसके असली डैडी हैं। लेकिन काफी टाइम पहले उन्होंने माया से दूसरी शादी कर ली थी। मुग्धा के अपनी माँ का क्या हुआ इस बारे में मुग्धा भी ठीक से नहीं जानती। वो बस इतना जानती है कि जब वो 8 साल की थी उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई थी। तभी दूसरे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि शाम होते ही गायब हो जाने वाली गर्लफ्रेंड किसे चाहिए भाई। पहले लड़के ने पूछा, मतलब? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, मतलब ये मेरे भाई, मुग्धा कॉलेज की सिंड्रेला है, पार्टी हो, कॉलेज फेस्ट हो, स्टडी हो, शाम होते ही मुग्धा गायब, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है कोई नहीं जानता, उसका घर आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा को कैंटीन में बैठे देखते ही उसकी फ्रेंड जूही उस पर चढ़ बैठी। जूही ने कंप्लेन करते हुए कहा, मुग्धा दिस इज नॉट डन, तुम कल भी हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं रुकी, रोज तुम्हें इतनी जल्दी घर क्यों जाना होता है? मुग्धा ने जवाब दिया, मम्मी ने कहा है कि सूरज ढलने से पहले मुझे घर पहुंचना जरूरी है, वैसे भी मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। जूही ने टॉन्ट करते हुए कहा, कितनी बोर है यार तू, तेरा ये रोज का नाटक है। वैसे कल से मुझे कुछ याद आया, कल तुम्हें रॉनी ने प्रपोज किया था ना? मुग्धा ने हैरान होकर कहा,